मध्य प्रदेश के भोपाल से बीजेपी उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा ठाकुर भोपाल के परशुराम मंदिर में पहुंची और मंदिर में पूरे भक्ति भाव से पूजा अर्चना की। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने पहले परशुराम भगवान की आरती की और फिर आम श्रद्धालुओं के साथ भजन कीर्तन और हवन यज्ञ किया। इस दौरान मंदिर में मौजूद भक्त जय सियाराम हर हर महादेव के नारे लगाते रहे। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने इसके बाद मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि विरोधियों को जो बोलना है वो बोले, लेकिन सत्य प्रमाणित होता है। परशुराम भगवान की जयंती है, इसलिए मैं आज मंदिर आई हूँ और अब मैं निकल रही हूँ अपने प्रचार के लिए। देखो, सभी विरोधी हमारे जो भी दुश्मन है, विरोधी पक्ष है, वो तो ये सब करने वाले हैं, उनको उनका काम करने दीजिए। और प्रभु एक हमारे तुलसी महाराज जी ने लिखा है कि निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए न्यूज इंडिया 24 को और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि आपको मिल सके एक्सक्लूसिव वीडियो और न्यूज अपडेट।